क्या आप जानते हैं कि फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन, जिसको कि फिजियोथेरेपी भी बोला जाता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? ये प्रोफेशन कब शुरू हुआ और कौन वो लोग थे कि जिन्होंने सबसे पहले इस प्रोफेशन की बुनियाद डाली? इफ नॉट देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो अगर हम बात करें फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन के बारे में, तो ये सबसे पहले प्रैक्टिस किया गया 460 BC में बाय हिप्पोक्रेट्स। ये वो लोग थे कि जिन्होंने मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया फॉर पेन रिलीफ। हाइड्रोथेरेपी के भी सबूत मिलते हैं कि उस दौर में भी हाइड्रोथेरेपी का कॉन्सेप्ट मौजूद था। अगर हम लिटरेचर को देखें तो चाइनीज़ और पर्शियन लिटरेचर भी इस बात का सबूत है कि उस दौर में फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज को यूज़ किया जाता था मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि एक्चुअली ये प्रोफेशन कब इमर्ज हुआ, सो दैट वाज इन 19th century, जब एक शख्स जिनका के नाम था पर्ल हर्निक लिंग, ये एक स्वीडिश जिमनास्ट थे। इन्होंने एक इदारा बनाया, रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिमनास्टिक्स, कि जिसके अंदर ये एक्सरसाइज थेरेपी और मैनुअल थेरेपी की क्लासेस दिया करते थे और लोगों को इसके बेनिफिट्स बताया करते थे। इनके इंस्टीट्यूट ओपन होने के फौरन बाद तो जैसे दुनिया के अंदर स्कूल ऑफ फिजिकल थेरेपी की लाइन ही लग गई। स्वीडन में, न्यूजीलैंड में, पोर्टलैंड में काफ़ी सारे इदारे ओपन होना शुरू हो गए और दुनिया के सामने फिजिकल थेरेपी की इम्पोर्टेंस सामने आई। लेकिन असल इम्पोर्टेंस सामने आई 1916 में। ये वो दौर था कि जिस वक्त दुनिया में पोलियो वायरस का आउटब्रेक हुआ और बहुत सीवियर लेवल पे हुआ। इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर लिया और बहुत से लोग इस बीमारी से इफेक्ट होके पैरालाइज हो गए। उस वक्त फिजिकल थेरेपिस्ट ने पैसिव मूवमेंट के थ्रू लोगों की रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करना शुरू की और MMT, जिसको कि आज में हम मैनुअल मसल टेस्टिंग कहते हैं, ये उस दौर में सबसे पहले पेशेंट्स के ऊपर परफॉर्म की गई उनके मसल्स के ग्रेडिंग को टेस्ट करने के लिए बैक इन 1916। उसके बाद 1917 से 1940, ये वो इरा था कि जिस वक्त दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हुई। इसके अंदर भी फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल बहुत इमर्ज होके सामने आया। हुआ कुछ यूं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इंजर्ड होने वाले सोल्जर्स, जिनको के एम्पुटेशंस की ज़रूरत पड़ती थी, जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती थी, जिनको हेड इंजरीज होती थी एंड दे गेट पैरालाइज्ड, उनके लिए फिजिकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई और उनकी रिहैबिलिटेशन का काम प्रॉपर तौर पे फिजिकल थेरेपिस्ट को दे दिया गया। और ये वो दौर था कि जिसके अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट को मिलिट्री के अंदर, स्पेशली आर्मी के अंदर रैंकिंग्स असाइन करना शुरू कर दी गई। इसके बाद 1921 में APTA, दैट इज़ अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, उस टाइम पे ये अमेरिकन वुमेन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन होती थी, बिकॉज सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसके अंदर वुमेन ही पाई जाती थी। मेन जो थे, मेल्स जो थे, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम था, लेकिन आम तौर पे ये फीमेल्स ने सबसे पहले जो रिहैब की टेक्निक्स थी वो शुरू की थी। बाद में इसको APTA, दैट इज़ अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन करार दे दिया गया था, उसका क़याम हुआ। और वर्ल्ड वॉर का दौर ही वो दौर था कि जिसके अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोथेरेपी, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स थे, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर थे, उनके ऊपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोथेरेपी को अप्लाई किया गया और उसके बेनिफिट्स देखे गए। उसके बाद 1952 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे दो लोग जिनका नाम लिवाइन एंड लॉन था, इन्होंने एक रिसर्च की। उस ज़माने में ये समझा जाता था कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के पेशेंट को चलना नहीं चाहिए, उसको बेड रिडन रहना चाहिए फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इन दो लोगों ने रिसर्च करके इस बात को गलत साबित कर दिया कि प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट, जो कि पोस्ट MI, दैट इज हार्ट अटैक के बाद जो शख्स काफ़ी देर तक लेटा रहेगा, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा डेवलप होंगी एज़ कम्पेयर टू उस शख्स के कि जो रिहैब करके दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और इसी के ऊपर 1953 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई, दैट वाज इन शिकागो। उसके अंदर इन दो लोगों ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पेश किया और वो नैरेटिव कुछ यूं था, फिजिशियंस मस्ट बी रेडी टू डिस्कार्ड ओल्ड डॉगमा व्हेन दे आर प्रूवन फॉल्स एंड एक्सेप्ट न्यू नॉलेज। उनके कहने का मकसद ये था कि जो पुराना नॉलेज चल रहा है कि जिसके मुताबिक पेशेंट को रिहैब नहीं करनी चाहिए, उसको खड़ा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को अब हमें भूल जाना चाहिए, अब इस नई स्टडी को हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए और इसके लिए फिजिकल थेरेपिस्ट आर द परफेक्ट वंस, जो कि इस रिहैब टीम का
हिस्सा बन सकते हैं और इन पेशेंट्स की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते। उसके बाद दौर आया 1966 का, दैट वॉज द एरा ऑफ वियतनाम वॉर। यह बहुत डेविस्टेटिंग किस्म की वॉर थी और इसके अंदर हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर्स एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बहुत ज़्यादा कमी थी। जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स, सर्जन्स एंड फिजिशियंस की तादाद बहुत कम थी। सो एट दैट टाइम फिजिकल थेरेपिस्ट को एक टाइटल दिया गया, द फिजिशियन एक्सटेंडर्स, यानी कि ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था कि फिजिकल थेरेपिस्ट को ऑटोनोमस प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि पेशेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा था। बजाय इसके कि पेशेंट पहले रेफर होकर आए, वो डायरेक्ट उसके पास एक्सेस थी कि अगर वो न्यूरोमस्कुलर या मस्कुलोस्केलेटल इशू के साथ है तो वो डायरेक्ट फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्टेंसी ले सकता है। सो इन 1966 दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जिस वक्त फिजिकल थेरेपिस्ट को ऑटोनोमस प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई। 1967 से 1976 ये वो दौर था कि जिसके अंदर फिजिकल थेरेपी बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ना शुरू हुई। इसके अंदर काफ़ी सारी सब स्पेशलिटीज़ निकलती गई कि जिसके अंदर ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, उसके अलावा कार्डियो रिहैब, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इमर्ज होना शुरू हुई। उसके बाद दुनिया ने प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो कि आज हम मानते हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, बैक इन 1960s के अंदर इस बात को अडॉप्ट किया कि उसकी बहुत अहमियत। 1980 से 1999 ये वो इरा था कि जिसके अंदर फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन के अंदर बेतहाशा रिसर्चेज हुई और उन रिसर्चेज ने बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि 19th सेंचुरी में माने जाते थे, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को गलत साबित किया। उसके अंदर सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट ये था कि इंजरी के बाद पेशेंट को बेड रिडन हो जाना चाहिए, लेकिन रिसर्च ने साबित किया कि जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं आफ्टर द इंजरी, उनका हीलिंग प्रोसेस काफ़ी तेज़ होता है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि इनएक्टिव रहते हैं। इसी तरह की बेतहाशा रिसर्चेज हैं जो कि इस दौर के अंदर सामने आई कि 2000 से लेके दौरे हाजिर यानी कि आज तक फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन के अंदर बेतहाशा रिसर्चेज सामने आई हैं, जिन्होंने बहुत से माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव किए हैं और ह्यूमन बॉडी के मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोपल्मोनरी, पीड्स, जेरियाट्रिक्स, गायनाकोलॉजी, स्पोर्ट्स, इसके अलावा बेतहाशा सब स्पेशलिटीज़ जो हैं वो अब इस फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। तो ये बात तो जाहिर है कि फिज़िकल थेरेपी की इम्पॉर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो दिस वॉज अ क्विक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।